आइए बच्चों, अब हम कक्षा 7 में नैतिक शिक्षा विषय के अंतर्गत पाठ 11 तीन गुण सत्य का अध्ययन करेंगे। बच्चों ये पाठ एक तोते और एक व्यापारी से संबंधित है, तो आइए हम बुक की सहायता से इसका अध्ययन करते हैं। तीन गुण सत्य, इस कहानी में देखते हैं बच्चों। इस संसार में ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को स्वाधीन बनाकर भेजा है, परंतु यह मनुष्य के झूठे अहम और अहंकार का परिणाम है कि वह अपने से कमजोर प्राणियों की स्वाधीनता छीनकर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है और यह भूल जाता है कि स्वाधीनता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे छीनने का हक किसी को नहीं है। बच्चों, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ने स्वतंत्र बना करके भेजा, आज़ाद बनाकर भेजा है, परंतु प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि मनुष्य अपने झूठे अहम अहंकार के कारण वह अपने से कमज़ोर प्राणियों की स्वाधीनता माने उनकी आज़ादी को छीन कर और अपना उन्हें गुलाम बना लेता है। शायद उसे ये बात याद रखना चाहिए, यह जो स्वाधीनता है वो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको छीनने का हक किसी को नहीं है। इसी से संबंधित कहानी शुरू होती है, आगे देखते हैं। बहुत समय पहले काशीपुर नामक शहर में एक कपड़ा व्यापारी रहता था। काशीपुर नामक जो शहर था उसमें कपड़ा व्यापारी था, उसका नाम देवकी नंदन था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था और शहर के लोग उसे बहुत सम्मान करते थे। बहुत बड़ा व्यापारी था इसलिए शहर के लोग उसे बहुत सम्मान करते थे। एक दिन जब देवकी नंदन शाम को अपने घर जा रहा था, तभी उसकी नज़र बाजार में खड़े बहेलिए पर पड़ी जो सुंदर सुंदर पक्षियों को बेच रहा था। एक दिन जब वह व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसने देखा एक बहेलिया जो है वह सुंदर सुंदर पक्षियों को बेच रहा है। देवकी नंदन उनके पास गया और उन पक्षियों को देखने लगा। सभी पक्षियों में से उसे एक सुंदर सा तोता बहुत पसंद आया और उसने वह तोता खरीद लिया। उस व्यापारी को एक तोता पसंद आता है और वह तोता खरीद लेता है। वह तोते को लेकर अपने घर आया और उसका पिंजरा घर के मुख्य द्वार के पास ही लटका दिया। उस तोते का जो पिंजरा था वो अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास ही लटका दिया। तोते को देखकर उसके परिवार के सभी लोग बहुत खुश हुए। परिवार के लोगों की खुशी की सीमा न रही, सारे लोग बहुत खुश थे तोते को आने से। वह तोता बहुत अच्छी अच्छी बातें करता और सुंदर सुंदर गीत गाकर सब लोगों का मन बहलाता था। वो बहुत अच्छे गीत गाता था और सबका मन बहलाया करता था। जो भी उसका गीत सुनता वह उस पर मोहित हो जाता, जो भी उसका गीत सुनता था उसके ऊपर मोहित हो जाता था। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। तोता सब लोगों का मनोरंजन तो करता, परंतु पिंजरे में कैद होने के कारण स्वयं हमेशा निराश रहता। तोता तो दूसरे का मनोरंजन करता था लेकिन वह खुद कैद था इसलिए वह हमेशा निराश रहता था। तोता प्रायः मन ही मन सोचता, पिछली बार जब बहेलिए ने मुझे पकड़कर एक आदमी के हाथों बेच दिया था तो मैंने बड़ी मुश्किल से उससे अपने प्राण बचाए थे। मुझे इस बार भी अपनी आज़ादी पाने के लिए कोई न कोई उपाय सोचना होगा। तोता सोचता है कि पिछली बार जब बहेलिया बेच दिया था तो किसी तरीके से मैं अपने प्राण बचा पाए थे, उसी तरह से इस बार भी मुझे कोई उपाय लगाना होगा ताकि मैं अपने प्राण की रक्षा कर सकूं। तोता बहुत बुद्धिमान और चतुर था। वह दिन रात व्यापारी देवकी नंदन के पिंजरे से छूटने का उपाय सोचने लगा। वह रात दिन यह उपाय खोजने लगा कि कैसे हम इस पिंजरे से आज़ाद हो सकें। एक दिन उसने अपनी खोई हुई आज़ादी को पाने का उपाय ढूंढ निकाला। एक दिन वह एक मार्ग निकाला जिससे वह आज़ाद हो सके। अगले दिन सुबह जब देवकी नंदन जागा और तोते को देखने उसके पास गया तो तोते ने उसे कहा, ओ दयालु, अगर तुम मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें जीवन के सबसे बड़े तीन गूढ़ सत्य बता सकता हूँ।
तोते ने बड़ी मीठी भाषा में कहा व्यापारी से कि अरे ओ दयालु, यदि तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण सत्य बता सकता हूँ। तोते की मीठी आवाज़ में यह बात सुनकर व्यापारी देवकीनंदन हैरान रह गया। तोते की आवाज़ सुनकर वह व्यापारी हैरान रह गया। व्यापारी को अपना तोता बहुत प्रिय था, इसलिए तोते की बात सुनकर उसने मन ही मन सोचा, मैं केवल 3 सत्य जानने के लिए अपने इतने सुंदर, प्यारे और बुद्धिमान तोते को क्यों छोड़ दूँ। चूँकि व्यापारी के मन में लालच थी तोते के प्रति, इसलिए उसने कहा मन ही मन कि मैं 3 सत्य जानने के लिए क्यों इतने प्यारे और बुद्धिमान तोते को मैं आज़ाद कर दूँ। यह तोता तो मेरा ही है, कभी न कभी यह मुझे जीवन के 3 सबसे बड़े गुण सत्य बता ही देगा। वह सोचने लगा कि यह तोता तो मेरा ही है, हम कभी भी इसे जीवन के 3 सत्य पूछ लेंगे, लेकिन फिलहाल 3 सत्य जानने के लिए इसे आज़ादी देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर व्यापारी ने तोते की बात को अनसुना कर दिया। इस तरह से तोते की बात को उसने अनसुना कर दिया। व्यापारी पर अपनी बात का कोई प्रभाव न देखकर भी तोते ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उधर तोता भी अपने चाल को कामयाब बनाने में लगा हुआ था। तोते ने देखा कि व्यापारी के ऊपर मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। बार बार व्यापारी के सामने अपनी बात दोहराता रहा और बार बार वही बात दोहराता रहा। एक बार उसने व्यापारी को प्रसन्न करने के लिए कहा, एक बार उस व्यापारी को खुश करने के लिए उसने कहा, हे चतुर और महान, आप इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान मनुष्य हैं। अर्थात तोते ने उस व्यापारी को इस दुनिया का सबसे चतुर और महान और बुद्धिमान व्यक्ति बताया, यानी कि उसकी खुशामद करने लगा। उसकी बात सुनकर व्यापारी प्रसन्न हो गया। यह देखकर तोता बोला, श्रीमान, मैं आपको जीवन के 3 सबसे बड़े गूढ़ सत्य बता रहा हूँ। तोता कहता है कि श्रीमान, मैं आपको जीवन के सबसे 3 बड़े सत्य को बता रहा हूँ। यदि आपको मेरा पहला सत्य अच्छा लगे तो कृपया आप मुझे छत पर ले जाएं। देखिएगा तोता अपने चाल में किस तरह कामयाब हो रहा है। कह रहा कि यदि मुझे मेरा पहला सत्य आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे छत पर ले जाएं। यदि आपको मेरा दूसरा सत्य पसंद आए तो मुझे बड़े से नारियल के पेड़ पर छोड़ दें, और अगर आपको मेरा तीसरा सत्य भी अच्छा लगे तो आप मुझे मुक्त कर दें। तोते की बातें सुनकर व्यापारी की हैरानी की सीमा न रही और उसकी बात मानते हुए बोला, ठीक है, तो तुम मुझे पहला गूढ़ सत्य बताओ। अब व्यापारी तोते की चाल में फंस चुका था, तोते की बात मान चुका था, और तोते की बात मानते हुए व्यापारी ने तोते से पहले सत्य को बताने के लिए कहा। तो तोता बोला, पहला सत्य यह है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी खोते हैं या खो चुके हैं उसका असल में कोई महत्व ही नहीं है। तोता ये समझाता है कि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी खो देते हैं, गंवा देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हमें उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। यानी कि जो चीज़ हम खो दिए, गंवा दिए, हमसे कहीं गायब हो गया, उसके बारे में हमें कभी सोचना नहीं चाहिए। जो बीत चुका है उसकी चिंता में डूबकर हमें अपना भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तोता ने कहा कि जो बीत चुका है हम उसकी चिंता में न डूबें, उसकी चिंता में डूब करके हमें अपने भविष्य को नहीं बिगाड़ना चाहिए, हमें नित्य अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पुरानी बातों को भूलकर ये सारी बातें, यह जो पहला सत्य है, वह उस तोते ने व्यापारी को बताई। तोते के मुंह से ऐसी ज्ञान भरी बात सुनकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और अपने वचन के अनुसार वह तोते को छत पे ले गया। चूँकि तोते में और व्यापारी में
यह वादा हुआ था। तोता ने कहा था कि यदि मेरी पहली बात पसंद आए तो तुम मुझे कहाँ ले चलोगे, छत पे ले चलोगे। तो वादे के मुताबिक तोते की बात व्यापारी को पसंद आई, इसलिए वह तोते को छत पे ले गया। तोते ने व्यापारी को दूसरा सत्य बताते हुए कहा, हमें कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी ने कोई बात यदि कह दी तो हमें फौरन उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम किसी वस्तु या घटना को स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक उस बात पर विश्वास करना मूर्खता है। अपने दूसरी बातों में तोते ने यह बात बताई कि जब तक किसी घटना को हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक हमें किसी के कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों से देखकर ही किसी बात पर विश्वास करना सही है। तोते ने यह बात बताई कि अपनी आंखों से देखी हुई बात पर ही विश्वास करना सही है। उसकी इस बात से भी व्यापारी प्रभावित हो गया और बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तोते की बात व्यापारी को बिल्कुल पसंद आई। यह कहकर उसने तोते को नारियल के पेड़ पर रख दिया। अपने वादे के मुताबिक व्यापारी ने तोते को नारियल के पेड़ पर रख दिया। नारियल के पेड़ पर बैठते ही तोता पेड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जा बैठा। अब तोता उस पेड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जा बैठा। यह देखकर व्यापारी ने उसे याद दिलाते हुए कहा, जब देखा कि तोता ऊपर जाके बैठ गया तो व्यापारी ने उसे याद दिलाया, कहा, तुमने मुझे अब तक तीसरा सत्य नहीं बताया। और व्यापारी कहता है तोते से कि तुमने अब तक मुझे अपना तीसरा सत्य नहीं बताया, और जब तक तुम मुझे वह सत्य नहीं बता देते तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। वादे के मुताबिक व्यापारी कहता है कि जब तक तुम मुझे तीसरा सत्य नहीं बता देते तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। उसकी बात सुनकर तोता बोला, मुझे मालूम है, तो तुम अब तीसरा सबसे बड़ा सत्य सुनो, और वह यह है कि मेरे पेट में दो बहुमूल्य हीरे छिपे हैं। तीसरा सत्य कहता है कि मेरे पेट में दो हीरे छिपे हुए हैं। यह सुनते ही व्यापारी के होश उड़ गए और उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे ईश्वर, यह मैंने क्या कर दिया, मैं इस तोते को मुक्त करने के लिए तैयार ही क्यों हुआ। अगर मैंने इसे पिंजड़े में ही रखा होता तो मुझे इस बेशकीमती तोते से अपने हाथ नहीं धोने पड़ते। यह कहकर वह ऊंची डाली पर बैठे तोते को पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब तोते ने इतनी बात बताई तो वह व्यापारी अपना माथा पीटने लगा और अपने करनी पर पछतावा करते हुए और वह पुनः उस तोते को पकड़ने का प्रयास करने लगा। तोते ने जब व्यापारी की यह दशा देखी तो वह बोला, अरे मूर्ख, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तोता व्यापारी की दशा को देखकर वह तोता उस व्यापारी को कहता है कि अरे मूर्ख, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। मैंने तुम्हें अब तक जो भी समझाया क्या तुम्हारी समझ में वह बिल्कुल नहीं आया। उस तोते ने व्यापारी को अपने द्वारा कही हुई जो तीन सत्य थे उन सत्यों को अवगत करा रहा है और याद दिलाते हुए कह रहा है कि जो बातें मैंने अब तक तुम्हें बताई क्या वो तुम्हारे समझ में नहीं आई। मैंने अभी तुम्हें जीवन के दो सत्य समझाए, परंतु उन्हें समझने और पालन करने का मौका मिलने पर भी तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पास उन दोनों सत्य को पालन करने का तुम्हारे पास समय आया था, मौका मिला था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तोते की बात सुनकर व्यापारी क्रोध से चिल्लाते हुए बोला। जब तोते की यह बात सुनी व्यापारी ने तो उसे बहुत क्रोध आया और वह चिल्लाते हुए बोला, तुम क्या कहना चाहते हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। व्यापारी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जो तुम कह रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। तोते ने इसका उत्तर देते हुए कहा, सबसे पहले
तुम यह जानकर इतने दुखी हो गए कि मेरे पेट में हीरे हैं, जबकि मैंने तुम्हें समझाया था कि हम यदि कुछ खो देते तो उसके लिए हमें दुख या चिंता नहीं करनी चाहिए। तोता अब उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें पहली बात बताया था कि यदि हमें कुछ हम खो देते हैं तो हमें उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मेरे कहने पर तुमने विश्वास कर लिया कि मेरे पेट में हीरे हैं, जबकि तुमने अपनी आंखों से मेरे पेट के भीतर हीरे नहीं देखे। दूसरी बात, तोता कहता है कि मैंने तुम्हें दूसरी बात बताई थी, किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तुमसे कह दिया कि मेरे पेट में हीरे हैं तो तुमने विश्वास कर लिया, जबकि तुमने अपनी आँखों से नहीं देखा है इस चीज। इस प्रकार तुमने दूसरे सत्य को भी भुला दिया कि केवल अपनी आँखों देखी बात पर ही विश्वास करनी चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बातों पर नहीं। तोता कहता कि तुम दूसरी बातों पर भी खरे नहीं उतरे, दूसरे सत्य को भी तुम भुला दिए। हीरो के लालच में तुम्हें अभी भूल गए कि मेरे पेट में हीरे कैसे हो सकते हैं, तुम्हें अभी भूल गए कि मेरे पेट में हीरे कैसे हो सकते हैं। तोते ने तीखी आवाज में कहा, ये सारी बातें बहुत तीखे स्वर में तोते ने उस व्यापारी से कहा। यह सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तोते से पूछा। तोते की सारी बात सुनने के बाद उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर तोते से पूछता है, जीवन का तीसरा सबसे गूढ़ सत्य क्या है? जीवन का तीसरा सबसे गूढ़ सत्य बताओ। व्यापारी का प्रश्न सुनकर तोते ने कहा, जीवन का तीसरा सबसे बड़ा गूढ़ सत्य जो मुझे मेरे बड़ों ने बताया है वह यह है कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को कोई अच्छी बात मत सिखाओ जो उसे जानकर उस पर विश्वास तो करे परंतु समय आने पर उसका उचित पालन न करे। तोते ने यह बात बताई कि मुझे मेरे बड़े लोगों ने बताई है कि किसी व्यक्ति को ऐसी बात मत सिखाओ जो अब विश्वास तो करता है परंतु वह पालन नहीं करता है। यह सुनकर व्यापारी ने लज्जे से अपना सिर झुका लिया और बोला, मेरे प्यारे तोते, मुझे क्षमा कर दो, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे इस बात का भी एहसास है कि कैद में रहकर तुम्हें कैसा लगता होगा और तुम अपनी स्वाधीनता के लिए किस प्रकार छटपटाते होगे। कहने का मतलब, तोते के कहे हुए बात से व्यापारी की आंखें खुल गई, वह अब सब कुछ समझ चुका था और वह अच्छी तरह से जान गया था कि अब मुझे लालच नहीं करनी चाहिए थी। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और दूसरे की पीड़ा का भी एहसास हो चुका था, इसीलिए वो तोते से कहा कि मुझे मालूम है कि तुम कैद में रहते होगे तो तुम्हें कैसा लगता होगा। अब मैं समझ चुका हूँ कि जितनी मुझे अपनी आज़ादी प्रिय है उतनी ही तुम्हें भी अपनी आज़ादी प्रिय है। अब तुम मुक्त हो और यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि भविष्य में मैं कभी भी किसी पशु पक्षी को पिंजड़े में कैद करके नहीं रखूँगा। व्यापारी ने उस तोते से वचन दिया और तोते को सदा के लिए मुक्त कर दिया और यह वचन दिया कि मैं भविष्य में कभी भी किसी पशु पक्षी को पिंजड़े में कैद नहीं करूँगा। व्यापारी की बात सुनकर तोता मुस्कुरा दिया और वहाँ से उड़ गया। वहाँ से तोता मुस्कुराते हुए उड़ जाता है। बच्चों, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए देखते हैं। हमें अच्छी बातें केवल सुननी या पढ़नी ही नहीं चाहिए बल्कि उन पर विश्वास करके समय आने पर उन पर अमल भी करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है।